सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 2 मिनट फोकस करेंगे। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ समझना, शेयर कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देर आर मेनी रीजंस। पहला, शेयर कैपिटल चैप्टर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा इन द होल कॉमर्स। आप बीकॉम करो, बीबीए करो, ये चैप्टर पीछे रहने ही वाला है। दूसरा, अगर आपने शेयर कैपिटल कर लिया ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर डिबेंचर, वो सर आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, या फिर पढ़ोगे बट आपके लिए विद इन अ डे, एक सिंगल डे में आप आराम से पूरा का पूरा डिबेंचर कर सकते हो। इसलिए आगे से इस चैप्टर को पूरा ध्यान से सुनो, ये चैप्टर आपको आना चाहिए। आपको 8 से 10 मार्क मिलेंगे शेयर कैपिटल के, 6 से 8 मार्क मिलेंगे डिबेंचर्स के, मतलब बोर्ड्स में आपको 15 मार्क तो मिनिमम मिनिमम ये चैप्टर दिला देगा, ये टॉपिक दिला देगा। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मैं चाहूंगा यहाँ पे फोकस करते रहे आप लोग, एंड दैट इज ऑल अबाउट कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांसेस। तो मैं आपको बता रहा था, अरियर्स हमारे लिए होते हैं डेटर्स, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना है, जबकि एडवांस हमारे लिए होते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि भैया ये हमको एडवांस में पैसा दे चुके हैं, इन्होंने हमें पूरा का पूरा पैसा एडवांस में दे दिया, इसलिए ये हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। तो इनके एंट्री समझते हैं। चलिए, लेट अस सपोज मैंने मंगवाया शेयर फाइनल कॉल, लेट अस सपोज मैं मंगवा रहा हूं शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, मैंने मंगवाया फाइनल कॉल 100 रुपीज का, ओके। बट जब बैंक से पैसा मिलने की बारी आई, मुझे 80 रुपीज ही मिला। सबकी फाइनल कॉल तो सर पूरे से क्लोज होता है, शेयर फाइनल कॉल क्लोज होगा पूरे से, दैट इज फुल 100। तो जो हमको यहाँ पे कम मिला है, कितना कम मिला है, 20 रुपीज, उसे कहा जाता है कॉल्स इन अरियर्स। उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि ये पैसा हमें कम मिला है। तो याद रहेगा आपको कि जो भी पैसा हमें कम मिलता है हमारे कॉल के दौरान, उसे कहा जाता है अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारे डेटर्स है। भैया हम आपसे 20 रुपीज मांगते हैं तो आप हमारे डेटर होंगे, इसलिए हमेशा कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया जाता है। वाइस वर्सा स्टोरी अगर हम माने कॉल्स इन एडवांस में, चलिए मैंने मंगाया, सपोज करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, तो मैं एंट्री करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, मैंने एंट्री किया शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, मैंने मंगवाया फर्स्ट कॉल पे सपोज 100 रुपीज, ओके। अब जब बैंक से पैसा मिलने की बारी आई, सर मुझे 120 मिल गया, मतलब किसी एक बंदे ने मुझे फाइनल कॉल का पैसा भी अभी दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? बैंक से तो 120 आ गया, शेयर फर्स्ट कॉल तो पूरे से ही क्लोज होता हमेशा, तो शेयर फर्स्ट कॉल क्लोज हो जाएगा 100 से, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिला यहाँ पे? अगेन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिला है 20 रुपीज, वो हो जाता है आपके लिए कॉल्स इन एडवांस, वो हो जाएगा आपके लिए कॉल्स इन एडवांस। एंड कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, क्योंकि ये लोग आपके क्रेडिटर है, ये लोग आपके क्रेडिटर है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस आपके लिए क्रेडिट होगा। राइट इनफ। सो मैंने अभी आपको 2 टॉपिक सिखाया है, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरियर्स मीन्स डेटर्स, इसलिए डेबिट। एडवांस मीन्स क्रेडिटर्स, इसलिए क्रेडिट। सिंपल सी बात है, राइट? अब मैंने इन पर्टिकुलर टॉपिक के आपके लिए कुछ सम्स क्रिएट किए हैं, आगे ध्यान देना। आखिरी वाला सम सबसे जोरदार, राइट? पहले 2 तो मैंने इजी बनाए, बेसिक बनाए, जिससे आपको ज्यादा जोर नहीं पड़े, बट जो लास्ट क्वेश्चन होगा दैट वुड बी वेरी 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 गुड। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे, राइट? तो हम लोग आज आ रहे हैं हमारे सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे, राइट? इस इलस्ट्रेशन में मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है कॉल्स इन अरियर्स का। चलिए ध्यान देते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी नेम्ड ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, ओके? एक शेयर है कुछ 10 रुपीज का, और ए लिमिटेड पैसे मंगवा रही है कुछ इस तरीके से, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। फिर हमें आगे कहा गया है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, भैया पूरा पैसा मिला है बट फाइनल कॉल पे 1000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया है, मतलब किसी के पास 1000 शेयर होंगे, उन्हें हमें एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने अलॉटमेंट दिया है, बट उन्होंने हमें फाइनल कॉल नहीं दिया है, राइट? देखिए मेरी एक बहुत बढ़िया हैबिट है, मैं पूरे क्वेश्चन को रीड करके इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करने के कारण अब मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ रहा। देखो मेरे लिए क्वेश्चन छुपा दो, अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 लाइन में मेरे को पूरा क्वेश्चन पता है। 80,000 शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का था, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फाइनल कॉल 4 रुपए। एक बंदा था जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फाइनल कॉल नहीं दिया। याद हो गया? सो आप भी कोशिश करेगा कि क्वेश्चन एक बार पढ़ के इस तरह से मिनिएचर्स बना ले, जिससे आपको शायद आगे वापस से क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैं सॉल्व करूंगा, बड़ा ही बेसिक रहेगा ये। पहला एंट्री होगा मेरा बैंक
टू शेयर एप्लीकेशन, मुझे मिलने वाला है 80,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज, दैट वुड बी 1,60,000 एंड 1,60,000 रुपीज। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन में बंद करूंगा और इन्हें मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। बच्चा लोग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग को पूरा लिखना है एस एच ए आर ई शेयर सी ए पी आई टी ए एल कैपिटल, यू हैव टू राइट इट फुल राइट, अकाउंट डेबिट परफेक्टली लिखना आपको एग्जाम्स में। ओके, सो शेयर एप्लीकेशन बंद हो जाएगा 80,000 इंटू 2 से, दैट इज 1,60,000 एंड आगे भी चला जाएगा 1,60,000। ये ब्रैकेट्स लिखना बहुत अच्छी आदत है, ये आपको आगे जाके बड़े बड़े सम्स में बड़ा काम आने वाली है, इसलिए मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग ब्रैकेट्स, ये वर्किंग नोट की तरह काम करती है। चलिए फिर तीसरी एंट्री मैं मंगवाने वाला हूँ, अलॉटमेंट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट का, मैं पैसा मंगवा रहा हूँ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का मैं मंगवाने वाला हूँ 80,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए, दैट इज 3,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपए, डन। देन बैंक से पैसा आएगा, तो एंट्री नंबर 4th में हमें बैंक से पैसा आ रहा है टू शेयर अलॉटमेंट, हमें बैंक से पूरा पैसा मिल गया, दैट इज 80,000 शेयर्स इनटू 4 रुपीज, एंड अगेन इट गोज टू 3,20,000 रुपीज एंड अगेन 3,20,000 रुपीज। यहां तक कोई टेंशन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, अब मजा आएगा। हमें एक बंदा फाइनल कॉल नहीं दे रहा है, तो ध्यान रखना हम फाइनल कॉल की एंट्री तो नॉर्मली करेंगे, हम मंगवा रहे पूरे पैसे, तो हम बोलेंगे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल पे हमने पैसा मंगवाया और हम कितना मंगवाने वाले हैं 80,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज, मतलब अगेन 3,20,000 रुपीज हम मंगवा रहे हैं, 3,20,000 रुपीज हम मंगवा रहे हैं। बट जब बैंक से पैसा आने की बारी हुई तो हमें 80,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, हमें 79,000 शेयर्स पे खाली पैसा मिला है, क्योंकि 1,000 शेयर्स वाले ने फाइनल कॉल नहीं भरा, तो हमें मिल रहा है 79,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज, मतलब हमें कितना नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है कॉल्स इन अरियर्स, हमें नहीं मिल रहा है 1,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज, राइट। और फाइनल कॉल हमेशा पूरे से क्लोज होगा, शेयर फाइनल कॉल हम पूरे से क्लोज करने वाले हैं, दैट इज 80,000 शेयर्स के ऊपर पूरे के पूरे 4 रुपए, तो फाइनल कॉल बंद होने वाला है 3,20,000 रुपए से, अरियर्स हमारा रह गया 4,000 रुपीज, मतलब हमें खाली 3,16,000 रुपीज ही मिलने वाले हैं, बाकी पैसा हमें नहीं मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, जो हमें नहीं मिलता है उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। आई होप आपको इजी लगा, बड़ा ही सिंपल था, खाली ये एक जो एंट्री थी दैट वाज मैजिकल एंट्री, दैट वाज गुड एंट्री, इस पूरे समय बाकी सब बहुत ही बेसिक था, और मैंने जानबूझ के पहला बेसिक दिया, धीरे धीरे एडवांस आएगा, डोंट वरी, यही बैठे रहो, राइट। सो यहां मैंने आपको सिखाया कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स मतलब डेटर्स होते हैं, इसलिए कॉल्स इन अरियर्स की हमेशा से एंट्री डेबिट होगी इनिशियल लेवल के अंदर। यहां तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा सिंपल है, और यहां पे हम सिर्फ सीखने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस, राइट। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके साथ में, और वापस से मैं उस क्वेश्चन को एक मिनिएचर में छोटे से नोट में कन्वर्ट करूंगा। देखो मैं कैसे करता हूं, डी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, तो भैया मैं यहां लिखूंगा हमारे पास टोटल शेयर है 50,000, 1 शेयर 100 रुपीज का है। आगे द मनी वॉज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ₹30, अलॉटमेंट ₹40 एंड बैलेंस इन फाइनल कॉल, मतलब बच गया वापस से 30। All money was duly received. Again the word is except. जहां except है भैया वहां कांड है, समझ लेना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। Except on 2000 shares, 2000 shares की कुछ कहानी है। Who paid final call along with allotment? बंदे ने application भी time पे भरा, allotment भी time पे भरा, but allotment के साथ में उसने final call का पैसा भी दे दिया, मतलब final call पे हमें कुछ आने वाला नहीं है, because he had made an advanced payment in allotment itself, right? चलिए तो मेरा क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा हो गया, मैं क्वेश्चन छुपा दूंगा, मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे याद भी हो गया 50,000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, 30, 40, 30, देन एक बंदा है जिसके पास 2000 शेयर है, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, और अलॉटमेंट के साथ में फाइनल कॉल भी मिल गया। चालू करते हैं सम करना। सबसे पहली एंट्री एज यूजुअल, बैंक से पैसा आएगा टू शेयर एप्लीकेशन, एंड दैट वुड बी 50,000 शेयर के ऊपर 30 रुपीज, it goes to 15 lakh, it goes to 15 lakh. Next one,
हम शेयर एप्लीकेशन को पूरा बंद करेंगे और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, तो वो पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। अगेन ब्रैकेट लिखना मत छोड़ना, ब्रैकेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अगेन यहां आ जाएगा 15 लाख, यहां पे मेरा एप्लीकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। अब हम मंगवाने वाले हैं अलॉटमेंट, तो हम एंट्री करने वाले हैं नोटिस की। शेयर अलॉटमेंट पे हम पैसा मंगवा रहे हैं और हम शेयर कैपिटल दे रहे हैं उनको पहले से ही। हम मंगवाने वाले हैं 50,000 शेयर के ऊपर 40 रुपीज, राइट, विच गोज टू 20 लाख रुपीज। हम मंगवाने वाले हैं 50,000 शेयर के ऊपर 40 रुपीज, विच गोज टू 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख यहां आ जाएगा। अब मजे की बात सुनना, हमें बैंक से मिलना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 20 लाख, हमें बैंक से मिलना चाहिए था 20 लाख जो हमने मंगवाया है। बट एक सज्जन है जिनके पास 2000 शेयर्स थे, उन्होंने इस 2000 पे आगे का फाइनल कॉल और दे दिया, मतलब उन्होंने हमें 2000 शेयर के ऊपर 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब करीबन करीबन 60,000 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। इन शॉर्ट मुझे 20 लाख की जगह 20 लाख 60,000 रुपीज मिले हैं। इंस्टेड ऑफ 20,000 आई गॉट 20 लाख 60,000 रुपीज, मुझे 20 लाख 60,000 रुपीज यहाँ पे पूरे मिले हैं। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मुझे मिल गए 20 लाख 60,000 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट तो जितने से ओपन हुआ था उतने से बंद कर देते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा 20 लाख से। अब भैया जो हमारे पास 60,000 एक्स्ट्रा है, वो 60,000 हो जाते हैं कॉल्स इन एडवांस के, वो 60,000 हो जाते हैं कॉल्स इन एडवांस के। याद रहेगा सबको, बड़ा ही सिंपल रहेगा, जब भी एडवांस होगा क्रेडिट होगा, अरियर्स होगा डेबिट होगा। इनिशियल में क्लोज करते टाइम दूसरा इफेक्ट होगा, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, राइट। सो यहाँ क्या हो गया, बैंक से मिल गए हमें अलॉटमेंट पे 20 लाख, 60,000 हमें चाहिए थे सिर्फ 20 लाख, तो हमारे पास 60,000 एक्स्ट्रा आ गए, एंड दैट इज कॉल्स इन एडवांस। दिस इज इंपॉर्टेंट वन ओवर हियर। आगे के एंट्री में भी थोड़ा है तो ध्यान देना। अब जब हम फाइनल कॉल मंगवाने जाएंगे, हम एंट्री करने वाले हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और हम मंगवाएंगे 50,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल के 30 रुपीज, राइट। तो हम मंगवाने वाले हैं 15 लाख रुपीज, राइट इनफ। बट जब हम 15 लाख मंगवाएंगे, इस बंदे ने जिसने अलॉटमेंट भी दे दिया था वो तो पैसे देगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। बैंक से जब पैसा आएगा, हमें मिलना चाहिए था 15 लाख, बट 15 लाख हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमें ऑलरेडी 60,000 पहले मिल चुका था, मतलब हमें मिलेगा 14,40,000। जबकि हमने सीखा है फाइनल कॉल हमेशा पूरे से क्लोज होता है, तो हम फाइनल कॉल को क्लोज करेंगे पूरा 15 लाख से। तो ये जो डिफरेंस आ गया 60,000 का, ये क्या है सर, ये जो एडवांस पहले था अब वो एडवांस नहीं रहा, वो ड्यू हो गया है, तो इसको बंद कर दो। तो हम कर देंगे कॉल्स इन एडवांस, ऊपर आ जाएगा विद द अमाउंट 60,000। हम कॉल्स एडवांस को क्लोज करेंगे 60,000 की अमाउंट के साथ में। देखो हमारा डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, अपना परफेक्ट समय है, राइट। सो एडवांस में ध्यान देना, आपको जहां एडवांस मिलेगा उस एंट्री में चेंजेस आएंगे, प्लस अगली एंट्री में चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो एडवांस के पैसे हमें नेक्स्ट कॉल पे मिलने वाले नहीं है, तो आपको वहां पे वापस से एडवांस को क्लोज करना पड़ता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बट सिंपल है, समझ में आने लायक है, बहुत इजी टॉपिक है ये। अब इसके बाद में जो मैंने आपके लिए सम बनाया है, ये सम सबसे एडवांस है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एग्जाम में ना ही सिर्फ कॉल्स एंड एरियर्स आता है, ना ही सिर्फ कॉल्स एंड एडवांस आता है, एग्जाम में कभी कभार दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, मतलब अरियर्स भी है और एडवांस भी है, दोनों एक क्वेश्चन में, तब थोड़ा सा आपको घबराहट होती है, बट नॉट टू फियर, मोहित इज हियर, राइट। सो जस्ट कम ओवर हियर, मैं आपके लिए इन चीजों को बड़ा सिंपल करने वाला हूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा बट ध्यान देते रहना। फर्स्ट वन, ध्यान देना क्वेश्चन पे, वापस से क्वेश्चन को, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल मिनिएचर, ध्यान देते रहो। 60,000 शेयर्स है हमारे पास, ओके सर, ठीक है, डन, 60,000 शेयर्स है। एक शेयर कितने का है, दैट इज ऑफ रुपीज 10 ईच। द मनी वॉज कॉल्ड एज फॉलोज, ओके, एप्लीकेशन रुपीज 3, ओके, अलॉटमेंट 2, देन फाइनल फर्स्ट कॉल वॉज 4 एंड फाइनल कॉल वॉज 1, ओके, यहाँ पे चार कॉल्स है, फाइन इनफ। पहले बात होती है मिस्टर एक्स की, ओके, मिस्टर एक्स की क्या कहानी है, मिस्टर एक्स वॉज हैविंग 3,000 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट भी नहीं भरा, फाइनल भी नहीं भरा, ठीक है, डन। दूसरी कहानी है मिस्टर वाई की, ठीक है, हु वाज हैविंग 4,000 शेयर्स, ओके, फाइन। आगे
पेड ऑल मनी अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। ओ हो, उसने एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया और फाइनल कॉल भी दिया। मतलब वो अलॉटमेंट में अलॉटमेंट नहीं भरेगा, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल नहीं भरेगा और फाइनल कॉल पे फाइनल कॉल नहीं भरेगा, क्योंकि भैया वो एप्लीकेशन पे सब दे चुका है। तो बड़ा ही मैजिकल एंट्री होगा, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना, मजा आएगी। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैं मेरा क्वेश्चन छुपा देता हूं, मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसमें पहली एंट्री से ही दम है सब में, पहली एंट्री से ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होने वाली है, हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फोकस करना है यहां पे, हमें मिलना चाहिए था 60,000 शेयर के ऊपर ₹3, वो तो भैया हमें मिले ही मिले हैं, प्लस मिस्टर वाई ने थोड़ा अच्छा गेम खेला है, मिस्टर वाई ने अपने 4,000 शेयर्स के ऊपर हमें आगे के 3 कॉल भी दे दिए। मतलब मिस्टर वाई ने अलॉटमेंट भी दिया ₹2, फर्स्ट कॉल दिए ₹4 और फाइनल कॉल दिया ₹1, मतलब टोटल उन्होंने हमें दिया है ₹7। मतलब हमें 4,000 शेयर्स के ऊपर ₹7 भी मिल रहा है, इन शॉर्ट 60,000 शेयर के ऊपर ₹3, मतलब 1,80,000 180,000 हमें मिल रहा है, प्लस 4,000 शेयर के ऊपर ₹7, दैट इज 28,000 हमें मिल रहा है। तो 1,80,000 प्लस 28,000 गोज टू 2,08,000 रुपीज, हमें टोटल मिलने वाला है 2,08,000 रुपीज, राइट एनफ। तो पहली एंट्री में जोर है, इसलिए बोल रहा हूं पहली एंट्री से फोकस करना, सेकंड एंट्री इज आल्सो वेरी मार्वेलस। नेक्स्ट वन क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, जितनी अमाउंट से शेयर एप्लीकेशन ओपन हुआ था उतनी अमाउंट से ही शेयर एप्लीकेशन क्लोज होगा। तो शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो गया 2,08,000 से 2,08,000 से। नेक्स्ट वन, सबसे पहले लिखने का हमेशा शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर्स है, मतलब 60,000 शेयर्स इनटू 3 एंड दैट इज 1,80,000। चलो 2,08,000 में से 1,80,000 का हिसाब हो गया। आगे की बात, अब बात करते हैं हमें किस किस ने पैसा दिया है आगे के कॉल के लिए। मिस्टर वाई ने पैसा दिया अलॉटमेंट के लिए, तो उसको हम यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट पे। मिस्टर वाई ने 4,000 रुपीज पे ₹2 यानी कि 8,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए। मिस्टर वाई ने फर्स्ट कॉल भी दिया और फाइनल कॉल भी दिया, तो उसको भूलना मत। तो यहां हम करते हैं, अब यहां पे 2-3 ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉल्स इन एडवांस एक ही बना के दोनों को साथ में लिख दो चलेगा, आप दोनों को अलग अलग बनाओ, कॉल्स इन एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एडवांस फॉर फाइनल कॉल, तो भी चलेगा, बोथ आर गुड एंड फेयर, जो आपको पसंद हो वो आप करो, एग्जामिनर दोनों को राइट देगा, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। मैं साथ में बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पे बना दिया कॉल्स इन एडवांस। अब मुझे 4,000 शेयर के ऊपर ₹4 मिले फर्स्ट कॉल के, ₹1 मिला फाइनल कॉल का, मतलब मुझे ₹5 मिले हैं एंड द टोटल गोज टू 20,000। सो यहाँ मेरा 2,08,000 का 2,08,000 का पूरा हिसाब हो गया, पूरा अकाउंटिंग हो गया है। 2,08,000 में से 1,80,000 एप्लीकेशन के लिए कैपिटल था, 8,000 रुपीज अलॉटमेंट का था और 20,000 रुपीज वॉज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिंपल है, सिंपल लगना चाहिए आपको। नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए ध्यान देते रहना यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री हमारा है, हमें अलॉटमेंट मंगवाना है ₹2। चलिए फाइनल नेक्स्ट एंट्री करूंगा, थर्ड एंट्री, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं मंगवाने वाला हूँ 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹2, मैं मंगवाने वाला हूँ 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹2, विच गोज टू 1,20,000 एंड 1,20,000। एम आई डन, एम आई क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब जब बैंक से पैसा मिलने की बारी आई, भैया हमें मिलना चाहिए था ₹1,20,000, हमें मिलना चाहिए था ₹1,20,000, बट एक बंदे ने ऑलरेडी 8,000 हमें दे दिए, तो हम यहां से वो 8,000 माइनस कर देंगे। मिस्टर वाई के 8,000 पहले से आ चुके थे, मतलब बैंक से हमें मिलने वाले हैं ओनली 1,12,000 और शेयर अलॉटमेंट भी उतने ही अमाउंट से बंद हो जाएगा, दैट इज 1,12,000 रुपीज। ओके, कभी कभी कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि हम कॉल्स इन एडवांस खाली फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल के लिए लिखते हैं, अलॉटमेंट के लिए क्यों नहीं लिखते। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर आप लिखो ना तो भी आप गलत नहीं, अगर आप अलॉटमेंट के लिए भी कॉल्स इन एडवांस लिखो तो भी चलेगा, बट नॉर्मली आपकी बुक्स प्रिफर नहीं करती, वो कहती है अलॉटमेंट को अलॉटमेंट बोलो और कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स के लिए यूज करो, तो हम वो मेथड फॉलो करते हैं। बट अगर आपने अलॉटमेंट के लिए लिखा है तो गलत नहीं है, बट मैं एक सजेशन दूंगा, बोर्ड्स में रिस्क मत लेना, वी डोंट नो एग्जामिनर क्या सोच के आएंगे, इसलिए रिस्क मत लेना, अलॉटमेंट को अलॉटमेंट रहने दो एंड कॉल्स इन अरियर्स को कॉल्स के लिए ही यूज करो, बाकी चीजों के लिए आप यूज ना करें।
ठीक है, तो हमें इस बार बैंक से मिल गया 1,12,000, 1,12,000, वाई सो, बिकॉज वी ऑलरेडी रिसीव्ड 8,000 बाय मिस्टर वाई, मिस्टर वाई ने हमें 8,000 पहले से ही दे दिया था, तो इसके साथ में मेरा अलॉटमेंट खत्म हो गया। अब सबसे मजेदार एंट्री है फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल वाली, क्यों है देखो, हम फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं पहले तो बिना कुछ सोचे, हम मंगवाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, मैंने बिना कुछ सोचे पहले तो फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, मैंने मंगवाया है 60,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए, राइट, 6,000 × 4 दैट इज वी हैव आस्क्ड फॉर 2,40,000 रुपीज। ओके, अब मजे की बात सुनना, जब बैंक से पैसा मिलने की बारी आएगी हमें मिलना चाहिए था 2,40,000 रुपीज, बट दो बातें, पहली बात, एक तो मिस्टर एक्स उनका है एडवांस और एक है मिस्टर वाई उनका है आउटस्टैंडिंग यानी कि अरियर्स, तो हमें 3000 शेयर्स पे भी पैसा नहीं मिलेगा और 4000 शेयर्स पे भी नहीं मिलेगा, 3000 पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनका अरियर्स है और 4000 पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं, इन शॉर्ट हमें 7000 शेयर्स पे पैसा कम मिल रहा है। तो अब अगर जब बैंक से पैसा मिलने की बारी आएगी तो हमें पूरा 2,40,000 नहीं मिलेगा क्योंकि 3000 और 4000 7000 शेयर पे 4 रुपए हमें नहीं मिल रहे हैं, 7000 शेयर के ऊपर 4 रुपए मतलब हमें टोटल 28,000 रुपीज नहीं मिल रहे हैं। ये 28,000 कैसे आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, दैट इज 7,000 × 4, 3000 शेयर एंड 4000 शेयर को मर्ज करके इतने शेयर पर हमें पैसा नहीं मिल रहा है। बट हमने सीखा है कि सर शेयर फर्स्ट कॉल तो पूरा क्लोज होता है ना, आपने ही तो कहा था, हाँ भैया सही कहा था, 60,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए, शेयर फर्स्ट कॉल तो पूरे से ही क्लोज होगा, दैट इज 2,40,000, तो जिसने नहीं दिया वो अरियर्स होगा, ठीक है फाइन, तो यहां हम कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स, किसने नहीं दिया 3000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए, और जिसने पहले से दे दिया उसका एडवांस था क्रेडिट था उसको बंद करो डेबिट करो, यस, तो उसको हम कर देंगे कॉल्स इन एडवांस को हम कर देंगे डेबिट, दैट इज 4000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज, it goes to 16,000, it goes to 12,000, अब 2,40,000 में से 28,000 को हटा दो, मतलब हमें मिलने वाला है 2,12,000 only, right? क्योंकि 28 हमें नहीं मिल रहा है, 2,12 plus 28 total goes to 240, we are done, 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 we are done, 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 बहुत बढ़िया एंट्री थी, बहुत अच्छी एंट्री थी ये, सम को खत्म करेंगे, बिना वेट किए सम को फिनिश करेंगे। सेवेंथ एंट्री हम करने वाले फाइनल कॉल की, तो हम मंगवाएंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम जैसी एंट्री है, ज्यादा मैजिक नहीं है, 60,000 शेयर के ऊपर हमें चाहिए 1 रुपया, मतलब हमें चाहिए 60,000 एंड वी नीड अगेन 60,000 रुपीज, अगेन सेम वन, व्हेन बैंक से पैसा मिलने की जब बारी आने वाली, राइट, व्हेन इट इज टाइम टू गेट मनी फ्रॉम बैंक, 60,000 शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि वापस से वही कहानी है, मिस्टर एक्स पैसा नहीं दे रहे और मिस्टर वाई ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब हमें 60,000 में से 7,000 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा, मतलब हमें खाली 53,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज मिल रहा है, मतलब खाली 53,000 रुपीज ही मिल रहा है, फाइनल कॉल पूरे से क्लोज होगा, तो मैंने शेयर फाइनल कॉल को पूरे से क्लोज किया, दैट इज 60,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया एंड दैट इज अगेन 60,000 रुपया, तो जिनका नहीं आया उन्हें बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स 3,000 × 1 और जिनका आ गया उन्हें कहा जाएगा कॉल्स इन एडवांस दैट इज 4,000 × 1, तो 3,000 इज फॉर अरियर्स एंड 4,000 इज फॉर एडवांस एंड वी हैव डन विद अ मैसिव सम ऑफ शेयर कैपिटल। ये बहुत बड़ा सम था, ये बहुत अच्छा सम था, इस सम को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसको नहीं आया थोड़ा रिवाइंड जाओ वापस ऊपर से नीचे तक पढ़ो, समझ में आना ही चाहिए, और नहीं आया बाई चांस कुछ डाउट्स हो लिखो मेरे लिए कमेंट में, मैं अगले वीडियो में वापस से आपको इस टॉपिक को लेके भी हेल्प करने को रेडी हूं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पहले वाला वीडियो देखना, फिर ये देखना, फिर बाद वाला वीडियो देखना, लाइन में जाना तो मजा आएगा चैप्टर करने में। दैट्स इट, दिस वॉज फॉर द डे, कीप लर्निंग कीप वर्किंग हार्ड, बोर्ड एग्जाम साथ में है पास में है और मैं आपके पास में हमेशा रहने वाला हूं, कैरी ऑन।